पर कुछ ऐसे गैजेट्स है जो कि आपके टीचर्स को दिखेगी भी नहीं एंड यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एंड एग्जाम्स में चीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होगा अगर से मेरे टीचर ये वीडियो को देखेंगे। सो द आंसर इज वो हो चुका है, स्कूल कॉलेज खत्म हो चुका है एंड अब मैं दूसरे कॉलेज में आ चुका हूँ, उनके पास मेरा नंबर भी नहीं। सो नाउ आई वॉन्ट कि वो टीचर्स मेरा वीडियो देखें एंड समझे हमारा दर्द क्या होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट गैजेट है मैजिक कैलकुलेटर। एज वी ऑल नो यहाँ पर हमें BSc या नीटेक एग्जाम्स में आप यहाँ पर कैलसी को ले जा सकते हो एंड बड़े बड़े जितने भी डिग्रीज होते हैं तो आप वहाँ पर अपने कैलकुलेटर को ले जा सकते हो एंड ये कैलकुलेटर कम फोन है। हाँ, आपके टीचर्स को बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह दिखेगा बट ये कैलकुलेटर कम फोन है। आप इसमें इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स आप सारा का सारा इसमें शेयर कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी जो कि हमें कीपैड वाले फोन में देखने को मिलता है, बटनों वाला फोन, डब्बा फोन। तो आप उसमें सारे के सारे फाइल्स को स्टोर कर सकते हो एंड एग्जाम्स के टाइम पर आप इसे देखकर चीट कर सकते हो। यहाँ पर इस सेटिंग को अनलॉक करने के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन का पासवर्ड सेट करना पड़ता है जिसको दबाने के बाद आपका वहां पर ऑल ऑप्शंस ओपन हो जाएगा एंड यहां पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो एंड सडनली आपके सामने आपका टीचर आ जाए तो आपको एक बटन पर सिंगल टैप करना है जिसके बाद आपका कैलसी नॉर्मल कैलसी बन जाएगा फ्रॉम द फोन। सो दिस इज द बेस्ट। सो नाउ द सेकंड इज लाइव स्ट्रीम वाईफाई बटन कैमरा। यहां पर आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि आपके शर्ट पर कहीं पर भी आप उसे टांगा सकते हो एंड आप उसे हाइड कर सकते हो। जब भी आपका एग्जाम शुरू हो जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है, उस कैमरा से आपके क्वेश्चन पेपर को आपको स्कैन कर देना जिस वजह से आपका फ्रेंड बाहर अपने फोन में वो सारी क्वेश्चन पेपर को देख लेगा एंड आपको इसके साथ एक ईयर पीस देखने को मिल जाएगा जिसको आपको अपने ईयर में रखना है एंड उसके बाद वो जो भी कहता है वो आपको सारा का सारा सुनाई देगा। एंड लिटरली गाइस ये वाला ईयर पीस इतना छोटा था है कि आपके टीचर इसे देख भी नहीं पाएंगे, इतना छोटा होता है एंड आपका फ्रेंड सारे के सारे आंसर्स बोल देगा गूगल पर सर्च कर कर एंड आप उसे आराम से लिख दे सकते हो एंड एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो। नाउ द थर्ड इज फुट मिनी वायरलेस ईयर पीस। यहाँ पर आपको टू स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी, टू पर आपको दो बटन देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आपको एक डिवाइस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको जितना भी पता है कि ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वाले फॉर्मूलास आएंगे, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो सिंपली आप आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अराउंड 10 आवर्स का ऑडियो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो एंड आपको सिंपली जो दो वो स्ट्रिप्स है वो आपके अपने शूज में रख लेना है एंड जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो सो आपको सिंपली उस बटन पर प्रेस करना है सो आपका ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको इसके साथ एक ईयर पीस देखने को मिल जाएगा, उसे आपको अपने ईयर में इंसर्ट कर लेना है, वो दिखेगा भी नहीं। सो बिल्कुल इसी तरीके से आप सारे ऑडियो को सुन सकते हो एंड आप आपके आंसर्स को लिख सकते हो। 10 आवर्स का ऑडियो रिकॉर्ड मत करना, अगर से वो आंसर 9th आवर पे आ जाए तो हमें पता है क्या होगा, हमारा एग्जाम तो 3 आवर्स का ही 2 आवर्स का ही होता है, लेने के देने पड़ जाएगा। सो एक घंटे में ही सारे आंसर्स को कवर कर लेना। सो नाउ द फोर्थ इज स्मार्ट वॉच एंड आप इसे स्मार्ट वॉच भी कह सकते हो या फिर नॉर्मल वॉच भी कह सकते हो। यहाँ पर ये वॉच में आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेजेस को सारे के सारे उसको सेव कर सकते हो एंड आप इसे देख सकते हो। मे बी यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि अगर से आपका कोई टीचर देख लेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें 360 डिग्रीज का व्यू होगा। आई मीन सिर्फ आप ही इसे देख सकते हो, आपके साइड में जो भी बैठा है वो इसे नहीं देख सकता, सिर्फ आपको एक ही एंगल के व्यू में आपको ये देखने को मिलेगा। जब आप इसमें देखोगे तो सिर्फ आपको ही देखेगा, दूसरों को नहीं देखेगा। तो आप इसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो एंड आप एग्जाम में नेक्स्ट लेवल का मजा उठा सकते हो। सो नाउ द नेक्स्ट इज Zeno S रिंग। हमें पता है कि बहुत सारे स्मार्ट रिंग्स आ चुके हैं बट ये वाला कुछ एडवांस स्मार्ट रिंग है एंड ये बहुत कॉस्टली है, अगर से आप रिच किड हो तो आप इसे खरीद सकते हो। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें स्मार्ट रिंग में देखने को मिलता है एंड स्मार्ट बैंड में, जस्ट लाइक आपका हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर एंड सारे के सारे जो एक स्मार्ट बैंड एंड स्मार्ट रिंग करता है वो सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड द एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हमें एग्जाम्स में यूज होने जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर आप इसमें कॉल बात कर सकते हो एंड इसमें स्पीकर भी देखने को मिलता है। तो अब जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो, इनविजिलेटर जब आपसे दूर होगा तो सिंपली आप आपके फ्रेंड से बात कर सकते हो एंड उससे आंसर्स पूछ सकते हो एंड एग्जाम में नेक्स्ट लेवल का चीटिंग कर सकते हो। सो नाउ द लास्ट ट्रिक, ये वाली ट्रिक ये मैंने इसको इन्वेंट किया, इसको मैंने बनाया। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक इरेजर को लेना है, इसमें बीच में कट कर देना है एंड आपको सिंपली जितना भी इरेजर का साइज है उसका ब्रेथ है तो उसका आपको एक पेपर कट आउट ले लेना है एंड उसमें आपको जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक आप इसमें फॉर्मूला लिख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादा मार्क्स के है तो सिंपली छोटे छोटे करके लिख लो एंड उसके बाद जो वो पेपर है उसके जो दोनों एंड्स है, जो कटे हुए इरेजर्स है उसको आपको पेस्ट कर देना है एंड उसको वापिस से रख देना है। तो इस वजह से आप पर कोई भी इन्विजिलेटर शक नहीं करेगा एंड आप उसको निकाल कर आंसर्स को देख सकते हो, वो जब भी आता है तो आपको सिंपली उसके अंदर डाल देना है। ये वाला ट्रिक मेरा है,
आई थिंक सो टीचर्स मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए, सॉरी फॉर दैट, बट ये हमारी परेशानी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड मे बी बहुत सारे लोग अब कमेंट करेगी कि दूसरे ही दिन उनका एग्जाम है, सो मैं आपको बता रहा हूँ आप एक रात में तो ये चीज बुक नहीं कर सकते हो, तो सिंपली लास्ट वाला जो इरेजर का ट्रिक है वो कर लेना। एंड मैंने यहाँ पर पार्ट वन में भी एक ट्रिक बताया जो कि इससे भी बहुत अच्छा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो अगर से आपका एग्जाम कल है। एंड लास्ट वाले वीडियो में मैं